हेलो वन वेलकम टू ऑल आई एम प्रशांत एंड इन टूडेज देखते हैं कौन सी इश्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं आज सो फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज गवर्नर्स डिस्क्रिशन टू द बिल ओके रिसेंटली हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ही हैज गिवन एन ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दवर्नर्स डिस्क्रिशन टू द बिल

जिसमें रिसेंटली जो नारायण मूर्ति जो है इनका जो रिमार्क था कि सेवनटी आवर्स वर्क करना चाहिए यूथ ने हर वीक तो उसके बारे में ये डिस्कशन है ऑफ कोर्स अब कोस अभी ये सेवेंटी आवर्स का वर्क वीक है आपने ऑलरेडी डिस्कस किया होगा करंट अफेयर्स में काफी बार उसके बारे में पढ़ी भी होगी चीजें ये थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव यहाँ दिया गया है ओके हियर द आर्ग्यूमेंट जो है जर्मनी के रिगार्डिंग जापान के रिगार्डिंग वो आर्ग्यूमेंट्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया है दैट्स एम टेकिंग दिस पर्टिकुलर आर्टिकल और हिस्टर फिर देर इज अ फैक्ट चेक यूनिट

ओके okay? उसके बाद गवर्नर जो है अपनी असेंट उसके लिए विथहोल्ड नहीं कर सकते या उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिफर नहीं कर सकते तो इशू क्या है सबसे पहले समझ लीजिएगा व्हाट इज द इशू ओके जैसे आप ऐसे पढ़ोगे तो आप समझ में नहीं आएगा शायद लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देखो वाट डल टू हंड्रेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल टू हंड्रेड जो कॉन्स्टिट्यूशन का है दैट इज रिगार्डिंग दी गिवन गिविंग असेंट टू द बिल बाय गवर्नर ओके okay, ये आर्टिकल 200 है कॉन्स्टिट्यूशन का और ये आर्टिकल क्या कहता है कि लेट्स से असेंबली है किसी स्टेट की बिल कैसे पास होता है के भी कोई भी स्टेट की असेंबली होती है या फिर अगर असेंबली है और इसके साथ साथ किसी स्टेट में काउंसिल भी होता है तो असेंबली होगा तो बस असेंबली होगा या फिर असेंबली प्लस काउंसिल है दे आर गोइंग टू पास बिल ये कोई बिल पास करते हैं ये बिल पास करने के बाद दिस बिल गोज टू द गवर्नर ऑफ स्टेट

ओके okay. क्या गवर्नर ये बिल फिर या फिर प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते सेकंड इंस्टेंस में कह रहा हूं मैं फर्स्ट इंस्टेंस में तो हो गया अब सेकंड इंस्टेंस में लेट से फिर से असेंबली ने पास कर दिया इस बिल को री इनेक्ट कर दिया है असेंबली ने ओके तो उसके बाद क्या गवर्नर को कंपलसरी असेंट देना ही है या फिर गवर्नर इसको रिटर्न कर सकते हैं बिल को फिर से या प्रेजिडेंट के लिए रेफर कर सकते क्या कर सकते हैं इसमें ओके सो कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है अभी हमारे जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़ जी इनका ऑब्जर्वेशन है कि वेन बिल इज री इनेक्टेड सेकंड इंस्टेंस में फिर से बिल जब पास होता है तो उस वक्त गवर्नर उस बिल को विथहोल्ड नहीं कर सकते ना ही ही कैन रेफर इट टू द प्रेसिडेंट असेंड ना ही ये प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड कर सकते हैं ओके उस केस में उनका फिर असेंड जो है ये कंपलसरी यहां बन जाता है ओके तो गवर्नर के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा बिल वो प्रेसिडेंट को रेफर करे लेकिन इस केस में ही कैन नॉट डू दैट

डिस्क्रिप्शन टू विथोल द बिल री इनैक्टेड और रिफर्ड एम टू दी इनेक्ट हो गया उसके बाद वो विथोल नहीं कर सकते फर्स्ट इंसुअली ये कर सकते हैं ओके सो द इंपोर्टेंट केस हो रही है okay? so important ये इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है इसमें आगे डिसीजन इस आ सकता है जो अभी केस इस केस में है ओके okay? और ये आर्टिकल टू हंड्रेड है इसका भी नोट्स में मैंने टेक्स दे रखा हैल टू हंड्रेड से जो अभी मैंने आपको एक्चुअली एक्सप्लेन किया okay? अब आगे अगर हम देखा तो लेट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग

कि कोई बिल प्रेसिडेंट के कंसिड्रेशन के लिए रिजर्व करना है नहीं करना है। ये गवर्नर का अपना डिस्क्रिप्शन हैव टू टेक दी एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दैट पर्टिकुलर टाइम ओके प्रेसिडेंट रूल स्टेट में रिकमेंड करना है नहीं करना रिकमेंड करना इंपोज इंपोज नहीं नहीं कर सकते गवर्नर प्रेजिडेंट रूल बट ही कैन रिकमेंड इट टू द प्रेजिडेंट ओके तो पर्टिकुलर स्टेट में प्रेजिडेंट रूल को रिकमेंड करना है नहीं करना इट इज हिज ओन डिस्क्रिशन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन है हैज कॉन्स्टिट्यूशन इज गिविंग ओवर हियर

ओके okay? तो इनको कितनी रॉयल्टी पे करनी है अब इन जो इन स्टेट्स में जो भी माइनिंग होता है और इस माइनिंग एक्सप्लोरेशन से जो भी रॉयल्टी आती है तो ये रॉयल्टी कितना इस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को पे करना है इवन दैट इज अक्रिप्शन ऑफ द गवर्नर ओवर हियर ओके एंड एट द सेम टाइम

what is the situation over here for example a party doesn't have clear majority election ho chuka hai clear majority chahiye let's say kisi assembly mein 200 seats are there a clear majority matlab मतलब 101 seats minimum honi chahiye but let's say no party has clear majority to us case mein who is who is to be invited to become chief minister in the office okay ye yaha pe governor decide karegi situation ke wajah se okay so maybe जिस party के पास maximum candidates है, maximum elected members है,

तो इफ मेजोरिटी इज नॉट देयर तो डिसॉल्व करना है असेंबली को या अपोजिशन को वहां पे चांस uh, देना है उनकी मेजोरिटी प्रूव करना गवर्नर okay, yes, के अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग इफ वेर इट कम्स टू डिस्क्रिप्शनरी पावर द गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज मोर डिस्क्रिप्शनरी पावर प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओके प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के पास एज सच कोई कॉन्स्टिट्यूनल डिस्क्रिप्शन है okay but governor of any state has a constitutional discretion also and that's a very important thing that we should understand over here aur ussi discretion ke regarding ek jo topic hai aur jo sujesh observation hai ye humne abhi discuss kiya hai okay chaliye let's go to the next news next news hai that is repco bank ya isko hi kehte hai repatriates cooperative finance and development bank तो इसके रिगार्डिंग एक, एक small news है the हिंदू के न्यूज़पेपर में आज, the news is not that important but because this bank was in news

बैंक जो है आप कह सकते हो यहाँ नोटिफिकेशन में बैंक का डिजिग्नेशन दे दिया है लेकिन एक कॉपरेटिव सोसाइटी अंडर बदरा बोदराटिव सोसाइटी नाम में ये सब कुछ है रिपेट्रिएट्स ओके सो दो श्रीलंका एंड म्यांमार और श्रीलंका से जो लोग वापस आ रहे थे इंडिया में उस वक्त रिपेट्रिएट आ रहे थे ओके, okay? उनके रिहेबिलेशन के लिए ये बैंक स्टेब्लिश किया गया था

आंध्र प्रदेश में तेलंगाना में कर्नाटका में और केरला में एज वेल एज यूटी ऑफ पुदुचेरी ओके okay? तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये बस एक स्टेट में काम नहीं करता तो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है सो रिमेंबरिजिनब्लिश दिस थिंग ओरिजिनल इंटेंट टू दिस बैंक इन ऑर्डर टू रिहेबिलिटेट दीपल फ्रॉम दी श्रीलंका एंड विल विल कम कम बैक टू इंडिया दैट ओके ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इसका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर है एज सच कहा जाए तो ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंडर इसको रजिस्टर किया गया है और कौन से स्टेट इसके स्टेट में इसका इस okay? कंट्रोल के बारे में भी यहां याद रखना है आर गोइंग टू सी टू इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स एज सच बाकी इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं थी आज के न्यूज़पेपर में लेकिन दो इंपॉर्टेंट अच्छे न्यूज एडिटोरियल्स एक्चुअली है जिसको हम डिस्कस करना Okay, what is the first editorial that we are going to discuss is regarding the recent remark of Mr. Narendra Modi ji. Okay, आपको सिर्फ तो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल रिमार्क एंड यू हैव वुड हैव एक्चुअली रीड मेनी न्यूज़ रिगार्डिंग डेट और काफी सारे इंडियंस इससे ऑफेंट भी हो चुके थे। तो यू नो डेट मेनी टाइम्स डी ऑफेंट यूनाइट्स मेनी पीपल, राइट? तो काफी सारे लोग ऑफे�

दी लेखक ही खुद ही एक आर्थिक्स तो आर्थिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से और आर्टिकल है किसी वर्कर के एम्प्लाई एम्प्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो लेट ट्राइड टू अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल औरी सो व्हाट इस द बेसिक प्रीमिसेस ऑफ द आर्टिकल सी आर्टिकल क्या कहता है कि यस मिस्टर नारायण म उटपुट हमारे नेशनल इंटरेस्ट में हमारा टू स्ट्रेंद पोजिशन नारायण मूर्ति जी और आगे क्या कहते हैं यूथ इन जापान एंड जर्मनी पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड ओके सेल्ड वॉर के बाद

डिमांड फॉर लेबर इन शॉर्ट वॉट इज ट्राइंग टू सीट इज डिमांड फॉर लेबर कैन नॉट इंडिपेंडेंट फॉर डिमांड फॉर गुड्स अगर गुड्स की डिमांड बढ़ गई या सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई तो अपने आप ही क्या है एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ जाएगा ओके okay. फाइन अपने आप ही जो कंपनीज है वो ज्यादा लेबर को एम्प्लॉय करने लगेगीचुअली okay. तो ये, actually, ये...

second thing he tries to analyze is the situation of germany and japan okay so he says ki yes germany and japan may people had worked a lot after the post-world War ii in order to rebuild their economy but their situation was different what was their situation see du during world war ii there was continuous bombing that happened in these countries okay because continuous bombing that had happened there was continuous destruction that had happened in these economies

उसके लिए आपको लेबर चाहिए। At the same time, there was और एक भी वहाँ काफी बड़ा काम था क्लियर द रबल जो डिस्ट्रक्शन हो चुका है जो वहां पे बिल्डिंग्स गिर चुकी थी तो जो रबल है उसका जो कचरा सब कुछ है ये उठाने के लिए भी काफी बड़ी एम्प्लॉयमेंट वहां चाहिए था ओके okay? तो ऐसे केसेस में अबकोर्स You will see that people will be working for more number of hours. Why? Because already there was high mortality, so labor number is less, and there is high demand because of the destruction that is created by war. You need to do the clearing of rubble work as well as reconstruction of the economy over here. Okay, so that is one thing that's why it was more relevant for those people. And second aspect over here, ki ye jo especially the western part of Germany, hai, West Germany, hai. okay. इसका जो रिकंस्ट्रक्शन का प्लान है रीबिल्डिंग का प्लान है इट वॉज दी मार्शल प्लान ऑफ़ यूएसए, यूएसए का जो मार्शल प्लान है इसके थ्रू एक्चुअली ये फिनांस हुआ था ओके, सो इवन तो इन शॉर्ट वॉट स्टेट स्पॉन्सर्ड मनी वॉज देयर एंड दैट स्टेट स्पॉन्सर्ड मनी ड्रो पीपल दैट टाइम टू वर्क फॉर सच हायर पर प्राइवेट सेक्टर के पास आप दे देते काम

वर्क वॉज डन बाय दीपलो वर्किंगर आज टाइम ओके तो साउथ लेकिन साउथ कोरिया का एग्जाम्पल भी ऑथर कहती है कि सिमिलर टाइप का है लाइक जापान एंड जर्मनी कैसे इवन इट वॉज रिकवरिंग फॉर द वॉर ओके ओनली केसेज साउथ कोरिया में जो रिकवरी हो रहा था इसमें यूएस वॉज द एल ऑफ द साउथ कोरिया दै टाइम ओके कोल्ड वॉर अगर आपने पढ़ा हो तो यू मस्ट बी नोइंग दिस तो यूएस जो है ओके okay. उसी के साथ साथ और एक एस्पेक्ट था जो साउथ कोरिया में भी था जापान में भी जर्मनी में था नेशनलिस्ट जब कोई बड़े वॉर में आपके कंट्री का बड़ा नुकसान होता है तो अपने आप लोगों में रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर की सारे कंट्री को रिबिल्ड करे तो उस वक्त स्ट्रॉन्ग नेट होते हैं विच ड्राइव पीपल टू इवन वर्क हार्डर ओके With even less compensation or even -compensation. So, जो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है उसी में, actually drive people to work harder. Okay. और तीसरा एस्पेक्ट जो होता है लोगों को भी वर्क करने के लिए ओके okay. तो ये सिचुएशन इन शॉर्ट ऑथरिज कहीं की अलग है साउथ कोरिया में हो या जापान और जर्मनी हो जहां नेशनलिस्ट सेंटिमेंट अलग से थे रिबिल्डिंग था हाई डिमांड था जो कि इंडिया की केस में नहीं है इन In इंडिया जो है डिक्टेटरशिप का ये तो हो ही नहीं सकता वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोरजन कैन नॉट बी यूजर हियर ओके फाइन एंड सेकंड वी आर शॉर्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी नाउ नॉट कम्प्लीटली बट वी आर शॉर्ट ऑफ मार्केट इकोनॉमी कोई पब्लिक फंडिंग नहीं है जिसमें गवर्नमेंट लोगों को फोर्स कर सकता है कि आप आप काम करिए सब ओके प्राइवेट सेक्टर है fine.

अगर हमारे प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट करने के लिए कॉम्पिटेटिव हो बाकी कंट्रीज से हमारे अगर कॉम्पीट कर पाए तो मे बी वी कैन इंक्रीज आर एक्सपोर्ट और इंक्रीज आर एक्सपोर्ट मतलब क्या है कि ग्लोबल डिमांड हम हमारे टैप कर सकते हैं ग्लोबल लेवल पर जो डिमांड है ओके okay? तो डिमांड अगर हम कह रहे हैं कि नहीं है तो डिमांड इज देयर ग्लोबल लेवल पे है अगर आपके कॉम्पिटेटिव प्रोडक्ट्स है क्वालिटी प्रोडक्ट्स है तो पीपल आर गोइंग टू बाय दैट ग्लोबली और उस तरीके से वो डिमांड अगर आप टैप करते हो तो अपने आप हमारा आउटपुट जो है बढ़ेगा मतलब प्रोडक्शन बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट जो भी है ये भी बढ़ जाएगी सो दैट इज वन सोल्यूशन दैट इज टू टैप द ग्लोबल डिमांड बट हियर अगेन ऑर्थर्स एग्जाम्पल ऑफ साउथ कोरिया ओके कि साउथ कोरिया इज ऑल्सो डन द सेम थिंग वो भी एक एक्सपोर ओरिएंटेड इकोनॉमी है ओके बट इन साउथ कोरिया द स्किल सेट ऑफ पीपल वॉज गुड ओके देल्थ एंड एजुकेशन जो है लोगों का दैट वॉज बेटर विच इज अ चैलेंज इन इंडिया तो ऑथर कहते कि लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ साउथ कोरिया वेर बेटर स्किल सेट हेल्थ एजुकेशन इंफ्रा वॉज क्रिएटेड सिमिलर थिंग वी शुड ऑल्सो डू पीपल शुड बी बेटर स्किल्ड हेल्थ एजुकेशन शुड बी बेटर बेटर प्रोडक्ट शुड बी देयर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी देयर देन ओनली वी शुड बी एबल टू टैप द ग्लोबल डिमांड एंड सेकंड एक्चुअली ऑथर सोल्यूशन देते हैं इज टू टैप द डोमेस्टिक डिमांड

ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी और दूसरा है नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी फाइन अब नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी मतलब क्या है कि अदर इंडस्ट्री है सर्विस है बैंकिंग है ये सारी नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी है ओके नाउ इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्शन इन नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी अगर ऐसा आपको करना है तो आप क्या करिएगा यू शुड मेक श्योर दैट यू शुड बी एबल टू प्रोड्यूस लो प्राइज एग्रीकल्चरल गुड्स एग्रीकल्चर में से जो प्रोडक्शन हो रहा है यह लो प्राइज होना चाहिए मतलब लेट से okay, okay, तो यह फूड प्रोडक्शन जो है ना लो प्राइज में होना चाहिए सो दैट पीपल शुड स्पेंड वेरी लेस ऑन दी बाइंग दर गुड्स इफ पीपल आर स्पेंडिंग लेस ओके अगर लोग जो है एग्रीकल्चर गुड्स पे स्पेंड करना कम कर रहे हैं

तो उस केस में क्या हो सकता है कि लेट्स ही स्पेंडिंग ओनली टू थाउजेंड तो उसके पास बचते कितने और आपको एक्स्ट्रा मनी है मतलब पहले नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी को के लिए डिमांड यहां क्रिएट कर दी हाउ बाय स्पेंडिंग लेस ऑन एग्रीकल्चर गुड्स एंड वंस यू क्रिएट डिमांड फॉर दिस उस केस में फिर नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमी का आउटपुट बढ़ सकता है प्रोडक्शन बढ़ सकता है भी कोई डिमांड अब ज्यादा होगा इसके ओके okay? और अन एम्प्लॉयमेंट जो है यहां जनरेट हो सकता है हालांकि इसमें प्रैक्टिकली काफी सारे इश्यूज है दिक्कत है ये सारा अचीव करने के लिए बट अफकोर्स ऑथर गिवन दैट सोल्यूशन सो आईव गु दिस ओवरऑल आर्टिकल रिगार्डिंग दिस

सेटअप अ फैक्ट चेक यूनिट एक फैक्ट चेक यूनिट तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है रिसेंटली इसने डिसाइड किया है कि दे आर गोइंग टू सेटअप दिस पर्टिकुलर अब इस यूनिट का काम क्या होगा इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल ऑन द मीडिया प्लेटफॉर्म रिगार्डिंग द गवर्नमेंट दैट विल बी चेक बाई दिस यूनिट ओके तो अगेन आई एम टेलिंग तमिलनाडु गवर्नमेंट की रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पे

और सेंट्रल लेवल पे अपने गवर्नमेंट के लिए दे आर एक्चुअली गोइंग टू क्रिएट सच काइंड ऑफ यूनिट ओवर हियर बट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अभी तक इसको एस्टेब्लिश नहीं कर पाया व्हाई बिकॉज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ये आ, मतलब आप कह सकते हो चैलेंज मतलब जो रूल्स है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ये अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज हो चुके हैं ओके okay. तो अभी वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ है राइट बट तमिलनाडु गवर्नमेंट का इस्टेब्लिश हो सकता है एंड दैट्स और फिर ऑथर ये कहते हैं कि ये जो मूव है चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की इन फ्यूचर में या भी तमिलनाडु गवर्नमेंट की जो मूव है इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव ऐसा फैक्ट चेक यूनिट इस्ट करना जिसके थ्रू आप मॉनिटर करते हो ऑल द ट्राफिक ऑन मीडिया और गवर्नमेंट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट की स्कीम्स होगी या गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होगी ओके ये इसके बारे में सही रिपोर्टिंग हो नहीं हो रहा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है क्यों अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है

सॉरी आर्टिकल टू जो रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन पुटफॉर्थ करता है उसके कुछ ग्राउंड दिए गए रिलेशन विदेन स्टेटेंस एंड मोरालिटी ओके कंटेम ऑफ कोर्ट डिफेमेशन एंड इंसाइटमेंट ये ग्राउंड हो गए तभी ही आप एक्चुअली क्या है रिजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो ओके बट ऐसा कोई भी ग्राउंड जो है फैक्टर यूनिट स्टाब्लिश करते वक्त बताया नहीं गए इसमें से कोई ग्राउंड नहीं है जो आर्टिकल नाइनटीन टू बताता है

फैक्ट चेक यूनिट तो ये सिंपली गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू एस्टाब्लिश किया गया है कोई लॉ के थ्रू थ्रूब्लिश नहीं किया गया तमिलनाडु गवर्नमेंट का ओके सिंपली गवर्नमेंट ऑर्डर के थ्रू सो ना ही आपने कोई लॉ इन किया है और ना ही कोई ग्राउंड है रीजनेबल आपने ग्राउंड दिए है जो आर्टिकल नाइनटीन टू में है ओके सो इन एवरी वे दिस इज अगेंस्ट आर्टिकल नाइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है That's what it is वेज वेग लैंग्वेज ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्डर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर इश्यू किया है उसमें काफी वेज लैंग्वेज है इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु की रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको चेक करने के लिए है नाउ वट इज द इन्फॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट ना क्या इसको यहां कई डिफाइन किया है कई डेफिनेशन नहीं उसकी कि कौन सी कौन सी इंफॉर्मेशन उसमें आप चेक करोगे राइट right? तो ये काफी वेग वेग वर्डिंग है कि रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इट्स वेरी एंड ओके कल लेट से कोई इकोनॉमिस्ट है और इस इकोनॉमिस्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी के खिलाफ क्रिटिकल एज सच आर्टिकल लिखा है जैसे अभी हम कितने सारे क्रिटिक आर्टिकल पढ़ते हैं हिंदू में भी ओके okay? तो ऐसा कहीं क्रिटिकल आर्टिकल अगेंस्ट द तमिलनाडु गवर्नमेंट पॉलिसी दैट इकोनॉमिस्ट हैज रिटर्न ओके तो इसको भी आप कहोगे क्या कि ये कोई गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है और ये गलत है फिर वाई जस्ट बिकॉज दैट पर्सन हैज क्रिटिसाइज इट तो फैक्ट्री यूनिट तो आप इसके लिए भी यूज कर दोगे फिर इकोनॉमिस्ट ने हमें क्रिटिसाइज किया ये क्रिटिसिज्म गलत है तो क्रिटिसिज्म इटसेल्फ इज रॉन्ग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु तो टर्म्स आर वेरी वेग एंड आर्बिट्री ओवर हियर ओके और इसी के थर्ड और एक आर्ग्यूमेंट आगे देते हैं ऑथर कि गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का जो ऑर्डर है इट इज फ्रॉट मेनी मेनी अदर विजीगलिटीज आर देयर इन दैट दैट ऑर्डर व्हाट इज द द ऑथर ऑफ पोस्ट जो भी ऑथर कोई पोस्ट करेगा गवर्नमेंट के रिगार्डिंग ओके okay, तो उस ऑथर ऑफ पोस्ट की हियरिंग को इसमें कोई चांस नहीं दिया गया लेट्स से टुमारो फैक्ट चेक यूनिट फाइंड्स फैक्ट चेक यूनिट कहता है Okay, कि किसी ने कोई पोस्ट किया है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या नहीं है इसमें आपको दोनों साइड सुननी चाहिए ना। ने तो कर दिया ये। saying, उसका क्या कहना है विच इज नॉट ओवर

आप कह सकते हो कि कुछ गाइडलाइंस भी लानी है अगर फ्यूचर में लेट से रिगार्डिंग सोशल मीडिया हो या फैक्ट्री के रिगार्डिंग कुछ गाइडलाइंस भी आपको लाना है ऑर्डर तो नहीं कोई गाइडलाइंस लाना है तो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑल द स्टेक होल्डर्स मस्ट बी कंसल्टेड ठीक है सारे स्टेक होल्डर्स पब्लिक स्टेक होल्डर्स उसमें पब्लिक सिविल सोसाइटी हो फिर जो इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएटरीज होती है फेसबुक है गूगल है दे शुड बी कंसल्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन अगर कुछ गाइडलाइंस अगर क्रिएट भी करनी है फैक्ट्री के रिगार्डिंग देन यू क्रिएट दैट और उसमें वो एग्जाम्पल देते यूरोपियन कमीशन का यूरोपियन कमीशन समथिंग कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑन डिसमेशन ओके सोशल मीडिया पेट करने के लिए बट बिफोर दे इशूड दैट दे कंसल्टेड मेनी पीपल देक अपिनियन पोल रिगार्डिंग दैट ओके से कंसल्टेशन होना चाहिए इफ यू वॉन्ट टू इशू एनी फर्दर गाइडलाइन नॉट

Thank you. Have a nice day to all of you.